मोहम्मद मोहम्मद की ये रहे मत बोलती है। सुभानअल्लाह। अगर आपको लगे कि वाकई रहमत बोल रही है और साबित हो जाए बात, तो आपकी सुभान अल्लाह मुझ तक पहुंचनी चाहिए। बतौर खास लगा फरमाए मोहम्मद की ये रहे मत बोलती है, मोहम्मद की ये रहमत बोलती है, मोहम्मद की ये रहमत बोलती है। गरीबी में सखावत बोलती है। क्या कहने मिसा भाई, सुभान अल्लाह। में सखावत बोलती है, गरीबी में सखावत बोलती है। क्या कहने मिसा भाई, एक बार कह दीजिए तड़प के सुभान अल्लाह। मैं ये चाहता हूँ कि आपके नामे अमाल में आज की सब नेकियां भी लिखी जाएं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरा मजमा दिल लगा के कह दे सुभान अल्लाह। गरीबी में सखावत बोलती है, बेवा फलक पे चांद के टुकड़ों को देखो। कहने भाई सुभान अल्लाह। फलक पे चांद के टुकड़ों को देखो, फलक पे चांद के टुकड़ों को देखो, मेरे कुदरत बोलती है, मेरे आका की कुदरत बोलती है। गरीबी में सखावत बोलती है, मोहम्मद की ये रहमत बोलती है। बेहतरीन समातों के हवाले से मुलाजा फरमाए, तवज्जो चाहता हूं। गरीबी में सखावत हर एक बूझेल हो जाता है गूंगा। क्या कहने भाई सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई। नबी की जब नबूवत बोलती है, सुभान अल्लाह। जब नबूवत हर एक बूझेल हो जाता है गूंगा, नबी की जब नबूवत बोलती है, नबी की जब नबूवत बोलती है। शेर मुलाजा फरमाए जी इंशा। इजाजत है, आपकी तवज्जो है, तो फिर सुभान अल्लाह कह दी। नबी की जब नबूवत बोलती है, अमल से पत्थरों को मोम कर दो। भाई वाह, क्या कहने भाई। अमल से पत्थरों
को मोम कर दो। बेजिंदाबाद अमल से पत्थरों को मोम कर दो, अमल से पत्थरों को मोम कर दो। ये पैगंबर की सीरत बोलती है, सीरत बोलती है, गरीबी में सखावत बोलती है, गरीबी में सखावत। वो सिलसिले का आखिरी शेर मुलादा फरमाए जी शाह मोहम्मद, फिर कोई दुनिया में आए दुनिया में आए मोहम्मद, फिर कोई दुनिया में आए मोहम्मद, फिर कोई दुनिया में आए। जमाने जरूरत बोलती है, जमाने की जरूरत मक्ता हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए, जमाने की जरूरत बोलती है, खिलाफे अहमद मुख्तार मीसम, खिलाफे अहमद मुख्तार मीसम, खिलाफे मदे मुख्तार मीसम, खिलाफे अहमदे मुख्तार मीसम। न जिस लोगों की फितरत बोलती कहने न जिस लोगों की फितरत बोलती है मोहम्मद की ये रहमत बोलती है, गरीबी में सखावत बेवाती, जो बेकाबू है उन पर भी वो काबू भेज देता है, जो बेकाबू है उन पर भी वो काबू भेज देता है, वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है, और न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। उर्दू अदब के मैं उस जुगनू को अब आवाज देना चाहता हूँ जिनकी शायरी का डंका हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है बज रहा है। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ इस तरतीब को तोड़ते हुए जनाबे मीसम गोपालपुरी से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजे। देखिए आपकी तालियां कमजोर है, एक बार पूरा मजमा आगे से पीछे तक एक साथ हाथ उठाकर तालियां बजाकर इस्तकबाल करें जनाबे मीसम गोपालपुरी साहब। पहले मैं ये मतलब पढ़ता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए जी भाई। न पी सको तो आ गए मूड तैयार हो गया, न पी सको तो न पी सको तो बहा दो कोई हिसाब नहीं, न पी सको तो बहा दो कोई हिसाब नहीं, न पी सको तो बहा दो कोई हिसाब नहीं, न पी सको तो बहा दो कोई हिसाब नहीं, न पी सको तो बहा दो कोई हिसाब नहीं, हमारा
में कोई अजाब नहीं, हमारा खून है पैमाने में शराब नहीं। मुरादा फरमाइश है, बतौर खास मुरादा फरमा रहा हूं, हमारा खून है पैमाने में शराब नहीं। चमन को लूटा है, चमन को लूटा है। अब देख चुके हो तो शेर भी सुन लो यार। चमन को लूटा है कुछ अपने गुल फरोशों ने, चमन को लूटा है कुछ अपने गुल फरोशों ने, किसी लहद पे चढ़ाने को भी गुना कर दूं। आप जहां से मुशायरा सुनना चाहते हैं सुनिए, जहां से आप मुशायरा जिस अस्तर से सुनना चाहते हैं वहां तक मैं नहीं आ सकता। अब जहां से मैं मुशायरा पढ़ रहा हूं, आप कोशिश करें कि आपकी मेयारे समात वहां तक पहुंच जाए तो बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर होगा। मुलादा फरमाएं, किसी लहद पे चढ़ाने को भी गुना मुशायरा, उसके हवाले से एक शेर पढ़ता हूं। जी भाई, हमारी कौम का जिसमें लहू ना हो शामिल, हमारी कौम का जिसमें लहू ना हो शामिल, खिलाफ जुल्म कोई ऐसा इनकलाब खिदमत में और पेश करने है। मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मैं इस चीज को समझ रहा हूं। मैं शेर पढ़ता हूं, मुलादा फरमाएं। जी भाई, खिलाफ जुल्म कोई ऐसा इनकलाब नहीं। सुनिए शेर, मेरा तो क्या मेरे कातिल का भी जवाब नहीं। सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए। जी भाई, इंशाल्लाह।